अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आगाज विश्व प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में होने वाले गीता यज्ञ से होगा। इस गीता यज्ञ का आयोजन 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस यज्ञ के लिए 5 कुंड बनाए जाएंगे। प्रत्येक कुंड यज्ञ पर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 25 तक ही सीमित होगी। इसी प्रकार कुल 125 लोगों को ही गीता यज्ञ में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस वर्ष कोविड-19 को लेकर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कार्यक्रम ऑनलाइन प्रणाली और सोशल मीडिया के जरिए ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं तक पहुंचाए जाएंगे और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 के चलते कोई भी पर्यटक व श्रद्धालु कार्यक्रमों में ना पहुंचे। सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन प्रणाली से गीता महोत्सव के कार्यक्रमों को देखें। केडीवी के द्वारा दिनांक 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को कोविड की सिचुएशन को देखते हुए और जो सरकार की गाइडलाइन है उनके अंतर्गत लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो, इस कारण कुछ कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम हैं वो 17 से 25 दिसंबर तक किए जाएंगे, जिनमें मुख्यतः महाआरती, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमिनार का आयोजन, हवन यज्ञ, संत सम्मेलन और फाइनल डे वाले दिन दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सारे कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा और टीवी चैनलों के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करवाए जाएंगे, ताकि लोगों को यहाँ ना आना पड़े और अपने घर बैठे इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का वो आनंद उठा सके। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।